जैसे कि आपने टॉपिक देख ही लिया होगा, हम बात करने जा रहे हैं पेरेंट्स और बच्चे का रिलेशनशिप के बारे में। तो एक्चुअली कैसा होना चाहिए ये सब पेरेंट्स अपनी तरह से अपने बच्चे के लिए बेस्ट ही करना चाहते हैं, उनके साथ बेस्ट रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसी है जिसे हमें दिमाग में रखना चाहिए जो एक सक्सेसफुल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो है कि बच्चे के साथ मतलब एज वाइज बिहेव करें। जब छोटे हैं तो ठीक है, वो है कि पापा है, मेरे पापा बड़े हैं बोल के मानने लगते हैं। जब थोड़ा सा उनका एज बढ़ जाता तो मतलब जब छोटे रहते तो उनके पास उतना चीज़ नहीं रहती है कि शेयर करने के लिए, वो जो कराते वो करते, जो दिखाते वो देखते, जहाँ रखते वहीं रहते। लेकिन थोड़े बड़े होने तो एक्सप्लोर करने लगते दुनिया में, यहाँ वहाँ घूमते हैं जाते हैं, तो उनका क्या होता है, उनके पास बहुत सारी क्वेरीज होती है, क्वेस्ट होती है। तो अगर एक पेरेंट उसे अच्छा से हैंडल ना कर पाए तो बच्चे ऐसे हो जाते कि वो अपना सीक्रेट जो है अपने पे ही रखने लगते हैं। मान लिया उसने कोई गलती से, मतलब गलती तो कोई जानबूझ के नहीं करता है, अगर हो जाता है तो अगर पेरेंट उसको डील नहीं कर पाते सही से, गलती किया तो ये गलत है और तुम गलत हो, नहीं कि गलती गलत है, बच्चे को ही कह दिया कि तुम गलत हो, तो क्या पड़ जाता है इसका इम्पैक्ट बच्चे पे कि नहीं अब हमको कुछ बताना ही नहीं है, हमसे गलती होती है और इनसे ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि गलती मुझसे भी होती है, तो छुपाना शुरू कर देते। तो ये सब से डील करने के लिए एक फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाना चाहिए कि बताओ ना तुम्हारी जो भी गलती होती है मैं उसको सही करने के लिए हूँ, है ना। हाँ तो यहीं तक था आज का वीडियो। मुझे यही कहना है कि अगर आप अपने बच्चों के साथ में अगर उनको ये ट्रस्ट दिलाने में सक्सेस हो जाते हैं कि आप कोई भी उनकी गलती में उनके साथ हैं, मतलब वो जो भी गलती करते हैं उसको आप करेक्ट कर सकते हैं, या फिर वो जो चीज़ को कर रहे हैं उनको नहीं लगता कि गलती है तो भी मतलब वो अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज आपके साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब अच्छी चीज़ होगा तो आप उस पर खुशी का रिएक्शन देंगे, और उनसे अगर कोई गलती हो गई है तो आप उनको मतलब हेल्प करेंगे उससे ओवरकम होने के लिए, ठीक है। इस तरह से अगर बच्चे में वो चीज़ बिल्डअप हो जाता है तो ट्रस्ट में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ छुपाएंगे आपसे। बहुत सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ मैं कि बहुत अच्छा रिलेशन रहता है उनका, मतलब फ्रेंड्स की तरह रिलेशन रहता है, हालांकि उनका जो बच्चे हैं उनको अच्छी तरह से पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करने आता है और पेरेंट्स ही उनको अच्छी तरह से अपने बच्चे को हैंडल करने कंट्रोल में रखने आता है, लेकिन उनके बीच में रिलेशन ऐसा रहता है कि लगता है कि मतलब कि हैप्पीस्ट रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं वो होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका और आपकी फैमिली में आपके बच्चे अंडरस्टैंडिंग बने, ओबीडियंट बने, और फिर अगर आप बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आपके साथ आपके पेरेंट का भी रिलेशन अच्छा रहे, और मतलब उसको कोई भी इंसान को बाहर के किसी इंसान की ज़रूरत ना पड़े उसको कुछ शेयर करने के लिए, या फिर उसको वो कुछ गलतियां करके अपने आप में रहे, उनको लगे कि इसका कोई रास्ता ही नहीं, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो ऐसा सब होता मतलब उससे बचने के लिए, बच्चे को डिप्रेशन से, कोई भी टेंशन से बचाने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप जो है एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ मतलब इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही था, अगर आप लोगों को मेरा जो बात है वो पसंद आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, और कोई सजेशन और क्वेरीज़ के लिए आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।